लीडरशिप कैसी हो, किन मुद्दों पे कैसी रखना है और आपको क्या करना है फॉर फ्यूचर, ये सीखने को यहाँ मिला। कुछ छात्रों को यहाँ भेज के और यहाँ एडमिशन करा के उनकी पढ़ाई कराना चाहिए। कोशिश करूँगा जब भी इनका वर्कशॉप हो कहीं भी तो मैं उसमें जरूर अटेंड। नमस्कार, फॉर द पीपल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत। पुण्यातील भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय आमदार परिषद पार पडते आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपण विविध राज्यांतील आमदारांशी संवाद साधतो आहोत। माझ्यासोबत चैन सिंग वरखडे आमदार आहेत, जे मध्य प्रदेशचे आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। फॉर द पीपल न्यूजमध्ये आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं? जी, आपको धन्यवाद। मैं चैन सिंह वरखड़े पहली बार कांग्रेस से विधायक हूँ। मध्य प्रदेश के निवास डिस्ट्रिक्ट मंडला से विधायक चुना गया हूँ और यहाँ पे ये जो वर्कशॉप लगा है इस पर मैं आज ही आया हूँ। दो दिन में आ नहीं पाया, फ्लाइट कैंसिल हो गई मेरी उस वजह से, पर आज एक सेशन मैंने सुना तो एक अच्छा लीडरशिप और जो अनुभवी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जिनके द्वारा लीडरशिप कैसी हो, किन मुद्दों पे कैसी रखना है और आपको क्या करना है फॉर फ्यूचर, ये सीखने को यहाँ मिला। बहुत अच्छा लगा। वो पहली बार मैं आया हूँ और अब कोशिश करूँगा जब भी इनका वर्कशॉप हो कहीं भी तो मैं उसमें जरूर अटेंड करूँगा। इन फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स बनने के लिए हाई एजुकेशन होना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, कुछ बदलाव यदि लाना है तो एजुकेशन भी ज़रूरी है और अनुभव भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। और आप अपने चुनाव क्षेत्र में फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स बनने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी आपके MIT के जो वर्कर्स हैं उनसे मेरी बात हुई थी सुबह, जहां मैं रुका हुआ हूं। मुझे ये लगा कि वहां से कुछ छात्रों को यहां भेज के और यहां एडमिशन करा के उनकी पढ़ाई कराना चाहिए, तब मुझे लौट के आएंगे तो जो परिवर्तन होगा क्षेत्र में, जो बदलाव होगा वो दिखेगा कुछ, कि हाँ कुछ हुआ है। मुझे पहली बार मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ और निश्चित मैं अपने क्षेत्र से कुछ लड़कों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजूंगा। आपकी आभारी हूँ फॉर द पीपल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन रोहित वनकट्टे, सोबत मी माधुरी कुमकर, फॉर द पीपल न्यूज़, पुणे।